अम्मा क्या बात है, कोई परेशानी वाली? कुछ नहीं बेटा, मैं सोच रही हूँ अगर साजिदा यहाँ पे पहुंच गई और कोई हंगामा खड़ा कर दिया या नामुनासिब बात कर दी तो अच्छा नहीं होगा। अम्मा, अम्मा कैसी बात कर रही हैं? कुछ नहीं होगा, क्यों परेशान हो रही हैं आप? चले आए मेहमानों से मिलने, आए चले, कुछ नहीं होगा अम्मा, आ जाए चले। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आया लड़िए, आया लड़िए। आते बस करो। अरे क्या हो गया? बस करो, तुम्हारी भाभी थक गई हैं, उन्हें आराम करने दो कमरे में जाकर। ओके भाभी जा सकती है लेकिन भाई नहीं, थोड़ी रसूमात बाकी है ना अभी। जरा हटना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। किरण भाभी को लेकर जाओ कमरे में, थक गई है वो। क्या भाभी जान रायला, लड़की अच्छी है माशाल्लाह। अल्लाह बस तसीब अच्छे करे, नजरे बल से बचाए। आमीन। आज आराम से आप आराम से बैठे भाभी, मैं भाई को बुला के लाती हूँ। ठीक है? लो बेटा पानी। जाओ जाकर सो जाओ। सुबह बहन के लिए नाश्ता भी लेकर जाना है। दादी क्या मुझे रोज रोज नाश्ता लेकर जाना पड़ेगा? नहीं बेटा, शादी के पहले दिन नाश्ता लेकर जाना होता है, ये रस्म होती है। अम्मा इन रस्म और रिवाज का तो मैं भी कायल नहीं हूं, खत्म करें, बेकार चीज है। क्या हो गया आजकल के बच्चों को बेटा, ये तो रस्म और रिवाज है और ये पुश्तों से चला आ रहा है। मैं जब तक जिंदा हूं ना, मैं ये रस्म और रिवाज निभाती रहूंगी। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आमीन। बस जिसमें आप खुश उसमें हम खुश, ठीक है?
अल्लाह मेरी जन्नत को हमेशा खुश खुरम रखे। चलो चलो जाओ, जाकर आराम करो, जाकर सो जाओ। चलो बेटा। अम्मा आप भी बहुत थक गई हैं, आप भी जाके आराम करें। नहीं बेटा, आज तो मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। जाओ चलो, उठो जाकर सो जाओ। दादी वो मैं आज आपके साथ सो जाऊं? ठीक है। आप
उठ गई आप? आप यहाँ सोए? हाँ, वो तुम उधर सोई हुई थी ना, तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है दादी, मुझसे कितना नाराज होंगी। क्यों क्यों नाराज होंगी जन्नत? आपको नहीं पता, आप इस तरह सारी रात बेआराम सोते रहे, मैं यहाँ पे सोती रही और सोती रह गई, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने आपको भी नाराज कर दिया, मैंने अल्लाह मिल गई। क्या हो गया ऐसा? कुछ भी नहीं हुआ, क्या हो गया तुम्हें? बिल्कुल नाराज नहीं। आप प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज। हाँ, मैंने आपको माफ किया। नहीं, आप एक काम करें, आप ना आप मुझे सजा देते हैं। आप सजा दी जा सकती है आपको, अच्छा आइडिया है। शिकायत तो नहीं लगाओगी मेरी? ये सजा है तुम्हारी, सारी उम्र आपको मेरे साथ गुजारनी होगी, कबूल है? थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। तुम भी बहुत अच्छी हो। थैंक यू। यू वेलकम। अम्मा, जहन तो उठ गया ना? हाँ बेटा, बस नहाने गया, अभी निकलने वाला होगा। ठीक है, तो जब तक मैं अमल को लेके आता हूँ। रहने दो बेटा, कोई जरूरत नहीं है उसे साथ लेके जाने की। बुरी बात है अम्मा, आपने देखा था ना रुखसती के वक्त कितना रोई थी वो, और क्या कहा था उसने कि नाश्ता सुबह वो लेकर आएगी। अम्मा आपको पता तो है कितनी पुरानी दोस्ती है दोनों की, अच्छा नहीं लगता। बेटा, सारी दोस्तियां शादी से पहले अच्छी लगती हैं, शादी के बाद दोस्तियां निभाने में लग गई ना तो ससुराल वालों को समझ नहीं पाएगी वो। ज़ैन आया? दादी आया। आ जाओ बेटा जल्दी से, चले अब्बू। हाँ चलो। बेटा सबसे अच्छे से मिलना, और शिबाना और राहिला को मेरा बहुत सलाम कहना। और कुछ दादी? और नहीं नहीं नहीं, बस चलो 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 भाई, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी, ऐसी देर हो रही है, चलो। और हाँ सुनो बेटा, जन्नत से कहना कल दादी आएगी मिलने के लिए। ठीक है दादी, मैं जन्नत को बता दूंगा। चल। वैसे तुम मेकअप ना भी करो तब भी बहुत अच्छी लगती है। नहीं, थोड़ा और करें ना प्लीज। देखो डार्क तो नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल सही है। तुम्हें नहीं आता मेकअप करना? नहीं ना। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। सर तो सीधा रखो थोड़ा। हाँ अब ठीक है। वो आगे? वो कौन? आपके भाई। और तुम्हारे दुल्हा? इमरान के साथ बैठे हुए हैं। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा सुनो, आज इस घर में तुम्हारी पहली सुबह है ना, मैं भाई को भेज रही हूँ, तुम उनके साथ आना, ठीक है? जन्नत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो, लेकिन यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई हो? वो किरण आप ही कह रही थी कि वो आ जाए ना तो उनके साथ ही। अरे छोड़ो किरण को, अब हर वक्त थोड़ी ना तुम उमर की उंगली पकड़ पकड़ के चलोगी, इसको रखो और चलो मेरे से, आ जाओ। Oh.
दादी दादी मुझे छोड़कर कैसे चले गए? थोड़ा इंतजार तो कर सकते थे ना। अरे बेटा तुम रात की थकी हुई थी ना, मैंने ही उन्हें कहा था कि चले जाओ। अच्छा है ना बेटा, थोड़ा आराम कर लिया तुमने। लेकिन दादी मुझे जन्नत से मिलना था ना। अरे तो वलीमे पे जा रहे हैं ना आज, मिल लेना। क्या वो नहीं आएगी अभी यहाँ? बिट्टू बाजी तो आई थी नाश्ते के बाद घर। पता नहीं बेटा, मैं कुछ कह नहीं सकती। ठीक है दादी, फिर मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो बेटा, ये अपनी माँ को देना और कहना कि जल्दी से लगा दे, शाम को ओढ़नी है मैंने। ठीक है? ठीक है दादी। ये लो। बच्चियां अगर हर बात समझने लग जाएं, तो उन्हें बच्चियां कौन कहे? देखा तुमने, सब कितने अच्छे हैं ना। हाँ बहुत प्यार से मिले थे मुझसे, अच्छा लगा मुझे। अच्छा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? कोई और ही लग रही हो आज। हाय ऐसे तो ना बोलो, शादीशुदा हूँ मैं अब, तो दादू भी नहीं रोक सकती मुझे, तो सारा फैशन करूंगी। और भाई रहन, क्या हाल चाल है? पढ़ाई कैसी जा रही है? दादी बता रही थी पढ़ाई में बहुत अच्छे हो तुम। जी बस कोशिश करता हूँ भाई। गुड बॉय। आ जाए सब, नाश्ता लग गया। आओ जैन, आओ जल्दी से, आप लोग भी आ जाएं। ठीक। अच्छी लग रही है बहुत। चलो। दादू आपने अमल को वापस क्यों भेज दिया? मुझे उससे बात करनी थी। बेटा ये दोस्तियां और ये मिलना जुलना, ये सब अपने घर में अच्छा लगता है। शादी के बाद लड़की को खुद को समेटना पड़ता है बेटा। ये दोस्तियां वोस्तियां पीछे छोड़कर ना अपने घर वाले ससुराल वालों को समझना पड़ता है, और शौहर की पसंद और नापसंद का ख्याल भी रखना पड़ता है। मेरी शहजादी अभी तुम ना समझ हो ना तजर्बा कार हो बेटा, इसलिए मैं तुम्हें समझाती रहती हूं। ससुराल वालों को समझना बहुत जरूरी है, लड़कियों को बदलना पड़ता है अपना आप। और मुझे यकीन है मेरी शहजादी अपने ससुराल वालों के दिलों पर राज करेगी, अपना घर बनाएगी अपने ससुराल वालों के दिलों में। वो क्या कहते हैं, आइडियल। तुम्हें आइडियल बहू और आइडियल बीवी बनना है ना। इंशाल्लाह मेरी बेटी जरूर बनेगी, खुश रहो। क्या सोच रहे? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। तो फिर आम से ही बताते हैं क्या सोच रहे? मैं सोच रहा था जन्नत, कभी कभी जिंदगी में इस तरह एकदम से तब्दीली आ जाती है, जैसे
आप डूब रहे हो और आपको एकदम से कोई थाम ले, या फिर तन्हा चलते चलते आपको कोई साथ मिल जाए जैसे कि तुम्हारा। उसका फोन है। अम्मी का फोन है। जी सलाम अलैकुम अम्मी। जी जी बस हम आ रहे हैं रास्ते में। ठीक है ओके ओके मैम। मुझे किरण बाजी ने बोला भी था कि जल्दी वापस आना, फायर के लिए भी निकलना है। वो से नाराज हो गई, वो उमर मुझसे नाराज हो गई, वो तो फिर हाँ कोई बात नहीं, बस पहुंचने वाले हैं, इसमें क्या इमरजेंसी है। जी दादू जैसा आप कहें। ओके हाफिज। आपको क्या क्या पसंद है? मतलब आप सुबह कितने बजे उठते हैं, चाय पीते हैं, क्या करते हैं? पीता तो नहीं, लेकिन अगर तुम पिलाओगी तो पी लूंगा। ठीक है तो मैं एक काम करूंगी, आप जब सुबह नहाने जाएंगे ना तो मैं आपके कपड़े प्रेस करके नाश्ता भी लगा दूंगी। और बताएं और क्या क्या पसंद है आपको? मुझे छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है। मुझे वही पसंद है जो आपको पसंद है। ये क्या बात हुई जन्नत, हर एक की अपनी पसंद नापसंद होती है ना। हाँ लेकिन मेरी पसंद नापसंद तो आपसे ही जुड़ी है ना। ठीक है जन्नत जैसा तुम कहो। आपको पता है हानी और अमल कह रही थी कि मैं ना आज वलीमे पे ज्यादा प्यारी लग रही थी, बरात से भी ज्यादा। तुम हमेशा भी बहुत अच्छी लगती। थैंक यू। वो देखो निकाल। बहुत अच्छे है यार, है ना, बहुत प्यारी है। थैंक यू। जन्नत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। सुबह सुबह चाय? जी बस वो उमर। उमर उठ गया है क्या? नहीं नहीं अभी उठे नहीं है, वो मैंने सोचा उन्हें चाय बना के आज अच्छी सी पेश करूं फिर उठाऊं। नहीं नहीं हमारे उमर को ना ये बैटी वैटी पीने की आदत नहीं है। हाँ अलबत्ता मैं गरम गरम चाय जरूर पीती हूँ और रात में एक ग्लास गरम दूध। अब ये सारे काम तो हमारी किरण किया करती थी, उसकी तो शादी हो गई। अब माशाल्लाह तुम इस घर की बेटी हो, इस घर की सारी जिम्मेदारियां तो अब तुमने ही देख ली है ना। आओ ना बैठो मेरे साथ, आओ आओ बैठो जरा। मैं कह रही थी कि जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं तुमसे भी छोटी थी। हमारे ससुराल में 12 अफराद थे और मेरी सास ने सारे घर की जिम्मेदारियां मुझ पे दे दी। क्या करते भाई, खुशी खुशी करना पड़ गया। यही तुम्हें बता रही हूं, अब तुम इस घर की बहू हो तो सारी जिम्मेदारियां तुमने ही देखनी है। चाय बहुत अच्छी है, बस सुबह सुबह एक कप चाय मुझे भी दे दिया करो ताकि सारा दिन मेरा अच्छा गुजर जाए। ठीक कल से। हाँ अच्छा ये बताओ खाना बनाना तो आता है ना? जी। खाना भी तुम्हारे हाथ का मैं खाऊंगी। तुम भी चाय ले आती तो मेरे साथ जरा बैठ के पी लेती। जी कल से। ठीक है। पप्पू खैर से जन्नत की रुखसती भी हो गई, शादी हो गई उसकी, मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। वैसे पप्पू आपने अपने पोते और पोती को जिस तरह पाला है ना, आप मिसाल बन गए। मेरे पोते पोती है, मुझे ही पालने थे। सुल्तान भी तो आपका अपना पोता है, उसके बारे में भी कुछ सोचे, माफ कर दे उसे। देखिए
तो उसे सजा भी मिल गई है, सबक भी सीख लिया उसने। प्लीज माजिद आता है तो मैं उससे बात करती हूँ। शुक्रिया। चाय पियोगे? जी। सुरैया एक कप चाय बना दो। आप ये भी लीजिए। अरे ये तो सारा जेवर तुम्हारे मैके से आया है ना, इसको तो रखो, अभी दावतें शुरू हो जाएंगी तो ये सब पहनना ना। और ये भी जन्नत, वो सलामी दी थी ना तुम्हें, कहाँ है जरा दिखाओ। वो तो मैंने देखी नहीं, अभी लेकर आती हूँ। ये री, ये देखें। हाँ एक काम करती हूँ ना, मैं किसी वक्त बाजार जाऊंगी तो तुम्हारे लिए कुछ कोई गोल्ड की चीज ले आऊंगी जो तुम्हारे काम आ जाएगी। ठीक है। लग गई अपनी जिम्मेदारियों में आप। अब देखो मैं अभी तुम्हें ही आवाज देने वाली थी। अरे भाई क्या करूं उमर, एक काम तो करो, ये रखो, ये है सलामी, बाजार जाओ तो इसके लिए कुछ गोल्ड का ले आना, काम ही आ जाएगा इसके। रुपया मैं, ये जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकता, ये आपका ही काम है, आप ही करें। चलो मैं ले आऊंगी। पप्पी अम्मी वो सलमान जी और शैला भाभी आपसे मिलने आए। अरे ये लोग कल तो आए नहीं, आज आ गए। अच्छा चलो मैं जाके मिलती हूँ। आतिफ जरा ये ना मेरे कमरे में रख देना। जन्नत बेटा जरा बाल ठीक कर लो तो आ जाओ, तुमसे ही मिलने के लिए आए हैं। ठीक है। शाम को मेरी एक कॉलीग ने हमारा डिनर किया, अच्छी सी तैयार हो जाऊंगा, साथ चलेंगे। ठीक। अब मैं क्या पहनूं? एक मिनट। ये देखें, ये ना बहुत प्यारा है, लेकिन ये ना साड़ी है, ये बहुत पसंद है मुझे, दादी ने दी थी लेकिन पहनी नहीं है मैंने आज तक। तो आज पहन लो। पहनी नहीं आती। तो फिर दिखाई क्यों मुझे? मैनेज कर लूंगी। बस जी आगे पीछे दो शादियां करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन लड़की की दादी ने ख्वाहिश जाहिर की तो फिर हम भी मना नहीं कर सके, हमने भी फिर हाँ कह दी। जी जी, बारात तो बड़ी आलीशान तरीके से हुई है और वलीमा भी बहुत ही अच्छा किया है आप लोगों ने। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। आंटी बहू को तो बुलाएं। हाँ जन्नत, जन्नत। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा। माशाल्लाह बहुत प्यारी बहू है आपकी। जैसा सुना था उससे भी ज्यादा प्यारी है। माशाल्लाह हमारी जन्नत ने हमारे घर को चार चांद लगा दिए। अल्लाह नज़ेबत से बचाए और हमारे बच्चे बस खुश रहे। रायला जाओ उठो, शरबत मिठाई वगैरह कुछ लेकर आओ। मैं ले आती। अरे नहीं बेटा बैठ, मैं लेकर आती। बेटा क्या तालीम है आपकी? इंटर किया है इसने। हमारा उम्र तो ज्यादा था कि लड़की कम से कम ग्रेजुएट तो हो, लेकिन फिर हमने उम्र को समझा दिया तो हमारा बच्चा समझ गया। जहेज तो बहुत सारा लाई गई। हाँ बस जो दिया है अपनी बेटी को ही दिया है। हमने तो मना किया था कि हमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। अब भाई जब हमने किरण और फराह की शादी की तो उसकी सास और नंद को हमने तो गोल्ड का गिफ्ट दिया था, बस यहाँ कुछ मिला नहीं और वैसे भी हमें चाहिए भी नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। हाँ अलबत्ता हम अपनी बहू को 10 तोला सोना पहना कर लाए हैं। जन्नत कितनी प्यारी लग रही हो तुम। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा रमशा आई एम सॉरी हमें थोड़ी सी देर हो गई। कोई बात नहीं, इतनी अच्छी तैयारी में वक्त तो लग जाता है।
तुम बताओ शादी के बाद कैसा लगा चेंज? नहीं, सब वैसे का वैसे ही है, कोई चेंज नहीं आया। That's good. अच्छा बताओ खाने में तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊं, तुम्हें क्या पसंद है? कुछ भी खा लूंगी, जो इन्हें पसंद होगा वही मुझे पसंद है। क्या अंडरस्टैंडिंग है, वाओ, यू आर सो लकी। हाँ, इस मामले में काफी लकी हूँ। प्लीज ऑर्डर गाइस। हाँ ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ओवर। अच्छा मुझे ये बताओ तुम ऑफिस कब आ रहे हो? फॉर गॉड सेक रामचंद्र, अभी तो ये सवाल मुझसे ना करो तुम। मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि अभी तो तुम्हारा कोई दिल नहीं कर रहा होगा आने का, लेकिन ऑफिस तो आना पड़ेगा ना हीरो जी। दादी ने तो कहा था शादी के बाद इंसान को दोस्तियां पीछे छोड़कर खुद को समेटना चाहिए। तो बाद में शायद इन्हें ये बात नहीं सिखाई होगी किसी ने। ओके चलो ऑर्डर करो फिर। अस्सलामुअलैकुम पप्पी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर लगा दी उमर, 12 बज रहे हैं। वो जन्नत का अपनी दादी से मिलने को दिल चाह रहा था तो हमने सोचा वहाँ चले जाते हैं, इसलिए देर हो गई। मैं और आयला इस कदर परेशान हो रहे थे तुम लोगों के लिए, उसके सर में इतना दर्द हो रहा था, अभी उसने दवाएं ली और वो सोने के लिए गई है। उमिया मुझे कॉल कर देती। मेरी जान ये काम तो आप भी कर सकते थे। सही कह रही हैं आप, वो बस वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ, सॉरी। उमर तुम माशाल्लाह इतने मैच्योर हो, इस तरह की बचकाना हरकत की कोई उम्मीद नहीं थी तुमसे मुझे। वो मैं माफ कर दें, पता नहीं चला। तुम्हें पता है कि मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ, इतना मेरा दिल घबरा रहा था। मुझे अंदाजा है बस गलती हो गई है, प्लीज आई एम सॉरी। अच्छा चलो जाओ जाओ, तुम लोग आराम करो, मैं भी अब सोने के लिए जा रही हूँ, जाओ। हद होती है, चल चल के तो मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गई है, लेकिन आपके कपड़े मैंने बाथरूम में लगा दिए। सर में दर्द है तो सर दबा दो। ठीक हूँ। तो फिर ना चुप चुप क्यों है? जन्नत में भूखी मम्मी की वजह से थोड़ा परेशान हो गया हूँ। तुम देखा था कितना घबरा गई थी वो, गलती मेरी भी है, मुझे उन्हें कॉल कर लेनी चाहिए थी। जन्नत तुम ही आगे बढ़ के उन्हें सॉरी कह देती, गले लगा लेती। I'm sorry, मेरे जहन में ही नहीं आया बिल्कुल भी। मैं तुम्हें बार-बार देख तो रहा था, इसीलिए तो देख रहा था मैं। I'm sorry, मुझे आपको कहना ही नहीं चाहिए था कि दादी के घर चले। नहीं, अब सॉरी की बात नहीं है, तो ऐसे ही कह रहा हूँ। Anyway, I'm gonna go change. Thank you.
कि मैं ग्रीन हूं